प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मसीह यीशु के जीवित पवित्र और अनोखे नाम में जय मसीह की। मैं आप सबका मसीह यीशु के मधुर नाम में और जीवित वचन में स्वागत करता हूँ। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किन किन बातों से बैर करता है या किन किन बातों को पसंद नहीं करता। जैसे कि हमने पहली वीडियो में सीखा था कि परमेश्वर बुड़बुड़ाने को पसंद नहीं करता, वो पहली बात थी। और उस वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने उसको सीखा और आशीषें प्राप्त की। इस रिकॉर्डिंग में हम सीखेंगे कि अविश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता। बाइबल जैसे कि नए नियम में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तुम परमेश्वर से मांगो तो विश्वास कर लो कि परमेश्वर तुम्हें दे चुका है। जब परमेश्वर से हम मांगे, हमेशा विश्वास कर लें कि जो कुछ हमने मांगा है वो परमेश्वर हमें दे चुका है। अविश्वास हमें नहीं करना है। परमेश्वर देगा या नहीं देगा, देगा तो कब देगा, हे परमेश्वर मुझे तो आज चाहिए आप कल मत दीजिए, बहुत बार हमें लगता है कि परमेश्वर लेट दे रहा है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी सफलताएं लेट हो रही हैं, हमारे भविष्य के अंदर आने वाला उज्जवल भविष्य लेट हो रहा है। लेकिन सही मायने में जब वो भविष्य, सफलता का भविष्य हमारे जीवन में आता है, तब हमें पता लगता है कि हमें ये लेट इतनी देर बाद क्यों मिला। उसका कारण सिर्फ एक है कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सब अच्छा ही करता है। अविश्वास, निर्गमन 17 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इसलिए कहा उसका नाम, उन्होंने यानी इज़राइलियों ने उस जगह पर वाद विवाद किया था। यानी ये जो दो शब्द इस्तेमाल किए गए इनका मतलब है कि उस जगह पर बहस हुई, वाद विवाद किया गया और यहोवा की परीक्षा इज़राइलियों ने ली थी। यहोवा हमारे बीच में है या नहीं, इज़राइलियों ने शक किया था कि परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस जगह पर मूसा जी को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत काम इज़राइलियों के बीच में किए थे। अचंभे और चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने इज़राइलियों के बीच में किए थे। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे बीच में भी बहुत से चमत्कार करता है, परंतु बहुत बार हम शक करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ पिछले साल क्या किया था। जब हमारे पास अगले साल या आने वाले साल में कुछ भी विपत्ति आती है तो हम परमेश्वर के किए हुए चमत्कारों को, परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हमें परमेश्वर के उपकार को भूलना नहीं है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह को भूलना नहीं है, हमें परमेश्वर के द्वारा दिखाए हुए तरस को हमेशा याद रखना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता रहे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मसीह के परिवारों, हमें कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें सिर बनाएगा पूंछ नहीं, यदि आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर विजेता है और जब हम विजेता के साथ चलते हैं तो हम भी विजेता बनेंगे,
यदि आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि वो हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। यदि हम समझते हैं, विश्वास करते हैं, तो याद रखिएगा, हमें इन बातों को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि जैसा हमने बाइबल में लिखा हुआ पढ़ा है वैसा ही होगा। जब हम विश्वास कर लेते हैं कि जैसा हमने बाइबल में लिखा हुआ पढ़ा है वैसा ही होगा, तब वो अविश्वास नहीं कहलाता, परंतु वो विश्वास कहलाता है। जैसे कि अब्राहम जी को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र की बलि मेरे लिए चढ़ा, तब अब्राहम जी ने शक नहीं किया, बल्कि उन्होंने विश्वास किया। जब अब्राहम जी को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी संतान को किणकों के समान कर दूंगा, मैं बालू के समान कर दूंगा, रेत की बालू के समान, तो ध्यान से सुनिए, वहां पर अब्राहम जी शक नहीं करते बल्कि विश्वास करते हैं। और जब इसहाक की मांग परमेश्वर ने की, तब भी वो विश्वास करते हैं कि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कुछ भी देकर वापस नहीं लेता। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ही बात को स्थापित करता है कि हमें विश्वासी बनना है, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि बाइबल इब्रानियों 11 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और फिर बाइबल कहती है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता जो अविश्वास करता है, वो व्यक्ति विश्वासी नहीं बन सकता जो अविश्वास करता है, जिसके अंदर अविश्वास आता है। यदि आपको परमेश्वर ने कहा कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आपको शक नहीं करना है। जैसे कि मेरे विश्वास करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और मैं 3 साल में जाकर चंगा हुआ। मैं अपनी बीमारी से जो चंगा हुआ, उसमें चंगाई को प्राप्त करने में मुझे 3 साल लगे। उसका कारण क्या था? 3 साल में मैं समझ पाया कि विश्वास क्या होता है, और जैसे ही मैं समझ पाया विश्वास क्या होता है, तो मैं अविश्वास से निकलकर विश्वास में आ गया। यदि आज आप भी अविश्वास से निकलकर विश्वास में आना चाहते हैं, तो आपको अपने परमेश्वर को बाइबल पढ़कर समझना होगा, आपको अपने परमेश्वर के करीब आना होगा, आपको अपने परमेश्वर के विषय में जानना होगा। याद रखिए, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर आप विजेता के साथ खड़े हैं, तो आप भी विजेता हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, तो याद रखिएगा, आप भी परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के जैसे हैं। इसीलिए परमेश्वर के जैसे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और याद रखिए, परमेश्वर के लोग कभी भी अविश्वास का जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जी सकता है, विश्वास के द्वारा वो जीवित रह सकता है। और हमें विश्वास में बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि हम अच्छे विश्वास में आगे और आगे बढ़ते हैं, हम शक नहीं करते, प्रभु की बातों पर शक नहीं करते, प्रभु के वचनों पर शक नहीं करते, प्रभु के लिखी हुई वाणी पर शक नहीं करते, प्रभु की प्रतिज्ञा पर शक नहीं करते, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जब हम शक नहीं करते, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, हमारी आशीषों को वो इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए।
प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा विश्वास है कि आप इस दूसरी बात को समझ गए हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर अविश्वास नहीं होना चाहिए। पहली बात जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं वो है बुड़बुड़ाना, और दूसरी बात जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते वो है अविश्वास। पहली बात जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते वो है बुड़बुड़ाना, दूसरी बात जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते वो है अविश्वास। अगली जो छह बातें हैं वो हम आने वाली अगली वीडियोस में देखेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसे जैसे इन आठ बातों को सीखते चले जाएंगे, ये आठ बातें जैसे जैसे आपके जीवन से समाप्त होती चली जाएंगी, याद रखिएगा ये आठ बातें जैसे जैसे आपके जीवन से समाप्त होगी, मेरा विश्वास है कि आप कई गुना परमेश्वर का काम कर पाएंगे, आप कई गुना परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के दासों की सहायता करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं यीशु के जीवित और पवित्र नाम में अपने इन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इनमें से जिस किसी के अंदर अविश्वास है, प्रभु बहुत समय से ये चंगाई प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें लगातार लोग कहते हैं कि तुम अपने विश्वास को बनाओ, यदि कहीं पर भी विश्वास की कमी है तो आज मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जो कलीसियाएं इस संदेश को सुन रही हैं, जो सेवक इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सब परमेश्वर भरपूर मात्रा का विश्वास प्राप्त करने पाए, जो स्वयं विश्वास के द्वारा चला, जो स्वयं विश्वास के द्वारा जय के जीवन को हासिल कर पाया, क्या वो हमें सही विश्वास नहीं दे सकता? दे सकता है प्रभु जी, आप हमें सही विश्वास दे सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इनके ऊपर सही विश्वास प्रकट होने पाए, इनके ऊपर सही विश्वास कार्य करने पाए, इनके जीवनों में सही विश्वास परमेश्वर चलता फिरता इन्हें नजर आने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में आशीष मांगते और आशीष मांगते, हर अविश्वास पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा की शक्तियां, अंधकार की ताकतें इनके जीवनों से समाप्त और समाप्त होती चली जाएं, खत्म हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमेन, आमेन।